नेशनल इंडिया न्यूज की टीम आज आपको बताने जा रही है एक ऐसी वारदात के बारे में जिसको सुनकर आप सभी को एक अचंभा हो सकता है। मंत्रालय कार्यरत अधिकारी दिनेश कोचर ने अपनी पत्नी को निकाला घर से बाहर, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल कर फेंका। निकलने के बाद रह रहा है किसी और महिला के साथ, उसी घर में राजनगर एक्सटेंशन फॉर्च्यून रेसिडेंसी में स्थित है, जहां पर दिनेश कोचर ने जिस घर से अपनी पत्नी को निकाला आज उसी घर में रह रहा है और किसी और महिला के साथ, जिसकी शिकायत पीड़ित पत्नी सविता सुबुद्धि थाना नंदग्राम में पुलिस कमिश्नर के यहाँ गुहार लगाई। उसने प्राप्त पत्र देते हुए कहा कि वह वर्तमान में राजनगर एक्सटेंशन की निवासी हूँ तथा मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरी माता बुजुर्ग हैं, उम्र लगभग 80 वर्ष है, मेरी शादी 29/6/2020 में हो गई थी। मेरे ससुराली जन से लगातार दहेज की डिमांड करते तथा मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते। जबरन घर से अगस्त 2020 को बाहर निकाल दिया था और मेरे बार बार प्रयास करने पर 2020 को एक बार धारा 12 घरेलू के हिंसा का माननीय न्यायालय गाजियाबाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3 में दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने मेरे पति को व ससुराल जनों को दिनांक 24 मार्च 2020 को आदेश दिया कि वह मुझे फॉर्च्यून रेसिडेंसी फ्लैट नंबर 108 में उपलब्ध कराएं तथा मेरे शांतिपूर्ण निवास में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, और 5 नवंबर 2022 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजा 24 मई 2022 के आदेश के स्वीकार किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश को ससुराली जनों ने आज तक पालन नहीं किया। पीड़ित सविता सुबुद्धि कई बार कोर्ट के आदेश लेकर ससुराल जाती रही। उस घर में अपने पति मौजूद होने के बावजूद पति दिनेश कोचर ने कभी गेट नहीं खोला। पीड़ित वहां जाकर अपने पति को किसी गैर महिला के साथ मौजूद देखती थी, लेकिन पति दिनेश कोचर ने कभी गेट नहीं खोला। पीड़ित पुलिस के साथ भी फॉर्च्यून रेसिडेंसी पुलिस के साथ भी गई, लेकिन दिनेश कोचर पुलिसकर्मी को और अपनी पत्नी को गृह मंत्रालय की धमकी देते हुए गेट नहीं खोला। अब देखना यह है कि आखिर पीड़ित सविता सुबुद्धि को मदद मिलेगी, क्या मिलेगा उनको उनका हक, क्या मिलेगा उनको उनका घर। देखिए हमारे साथ इस न्यूज में, आइए सुनाते हैं आपको पीड़ित सविता सुबुद्धि का मुंह जुबानी, आखिर कितनी परेशान और क्या क्या हुआ है उनके साथ। देखिए हमारे साथ इस न्यूज में, लेकर चलते हैं आपको सविता सुबुद्धि जी से रूबरू। चाहती हूँ योगी सरकार से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ योगी सरकार से हाथ जोड़ के, पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास कोर्ट का आदेश है 24/5/2022 से लेकर के 5/11/2022 में भी दूसरा आदेश प्राप्त हुआ है। अभी तक मैं घर इधर उधर भटक रही हूँ, मैं दर दर भटक रही हूँ। एक लड़की इतनी स्ट्रगल करके कोर्ट का आदेश भी प्राप्त करती है, उसके बाद भी उसको जो है घर में रहने के लिए नहीं दिया जाता है। और जहाँ पर उसका पति जो है दिनेश कोचर जो है एक मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के होने के वजह से वो हमेशा पुलिस को, मुझे और मेरे को जो सपोर्ट करने आते हैं उन सभी लोगों को मंत्रालय की हमेशा धमकी देते हैं कि मंत्रालय में हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिस तरीके की वो धमकी देते हैं उसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है और मैं चाहे तो मीडिया को मैं दिखा सकती हूँ। और मीडिया के द्वारा मेरा ये रिक्वेस्ट, मैं पिछले 2 साल से इतना स्ट्रगल कर चुकी हूँ और मैं मीडिया में कभी गई नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास कोर्ट का आदेश आने के बावजूद मुझे घर में एंट्री नहीं मिला, इसलिए मैं मजबूर होकर इस परिस्थिति में मैं मीडिया के सामने आई हूँ। और जिस समय मुझे घर से निकाला गया था तब मैंने लड़ाई भी करी, बहुत हिम्मत भी दिखाई, लेकिन इस 2 साल 2.5 साल की लड़ाई के बाद मैंने कोर्ट का आदेश प्राप्त किया, लेकिन मुझे मुझे कुछ मिला ही नहीं ना इससे। मैं तो घर से बाहर अभी भी भटक रही हूँ। मैं तो प्रशासन मेरे हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। योगी सरकार से मैं बार बार यही विनती करना चाहूंगी कि मेरे पास कोर्ट के आदेश होने के बाद एक मंत्रालय के अधिकारी जो मेरे पति है मेरे को घर से बाहर ही रखे हुए हैं और वो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। मेरा नाम सविता सुबुद्धि है, मैं मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी राजनगर एक्सटेंशन फॉर्च्यून रेसिडेंसी में 29 जून 2020 को हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही मुझे मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश कोचर है और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, वो जल विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे 2020 में, फिलहाल वो फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर है और वो मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर का जॉब करते हैं। और 2020 में मेरी शादी हुई थी और शादी के 2-4 दिन बाद ही उन्होंने मेरे को दहेज की डिमांड करना शुरू कर दिया और मेरे साथ बहुत प्रताड़ित किया मुझे और मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं उनको गाड़ी दूँ और बहुत सारी चीज़ों की उनकी डिमांड थी और मैंने उनकी अत्यधिक डिमांड को पूरा करने
के लिए जब मैंने विरोध किया और मैंने जब दहेज का विरोध किया तो मेरे पति ने मुझे साफ साफ लफ्जों में ये बोल दिया, अगर तुम मुझे गाड़ी नहीं दे सकती, अगर तुम मुझे मेरी डिमांड पूरा नहीं कर सकती तो तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे क्लोज हो जाएंगे और सारे रिश्ते बंद हो जाएंगे। जिसकी मेरे पास वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है कि पैसे नहीं दे सकती तो इस घर से जाने के लिए मुझे बोला जाता है। और उसके बाद जो है कि मैं महिला थाने में भी हमारी काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के दौरान भी पति को यही बोला जाता है कि पत्नी को घर में रखा जाए, लेकिन वो काउंसलर की भी बात भी नहीं सुनते हैं और मेरे बार बार आने के बावजूद भी घर का दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुलता है। और इसी वजह से मैं मजबूर होकर जो है मुझे SCGM कोर्ट 3 न्यायालय में मुझे एक सेक्शन 12 का आदेश डालना पड़ता है घरेलू हिंसा का, जिसमें मैं घर में रहने के लिए मैंने हस्बैंड हमेशा मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है लेकिन मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई वो कर नहीं पाए हैं। जैसे मेरी सहेली भी आई थी तो सहेली के खिलाफ भी करने की कोशिश की थी लेकिन अभी तक हमारे ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पे बार बार आ सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है और ये जो लड़ाई है एक मेरे अधिकार की है। और दूसरी चीज़ जो है कि मैं लड़ते लड़ते इतनी थक चुकी हूँ, इतनी स्टेजेस मैंने फेस किया है, समाज को मैंने फेस किया है, समाज ने मेरे ऊपर उंगली भी उठाई, बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत नज़रिए से भी देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस कर करके मैं ये समझ पा रही हूँ अब मेरी ये जो लड़ाई है दहेज के विरुद्ध की लड़ाई है। मेरे जैसे कितने लड़कियां मेरी तरह सड़कों पे ऐसे घूम रही है और सिर्फ पैसे के लिए मुझे घर से निकाल दिया गया, एक रोड पे मुझे फेंक दिया गया सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में। और मुझे ये मेरे पति मुझे बोलते हैं कि तुम तो नौकरी करते हो और तुम्हें ज़रूरत क्या है। अगर मैं नौकरी करती हूँ तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़की कोई सामान है, कोई यूज़ करने की वस्तु है जो उसको निकाल के तुम रोड पे फेंक दिए जाते हो, क्योंकि वो नौकरी करती है। अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो मेरे को क्या न्याय नहीं मिलेगा? मैं जस्टिस चाहती हूँ और मैं न्याय चाहती हूँ और अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ और इस कोर्ट के आदेश के अनुसार मुझे घर में रहना है, यहाँ पर रह सकती हूँ। उस आदेश को लेकर मैं यहाँ पर बार बार आती हूँ। ये मेरे पास कोर्ट का आदेश है जो 24/5/2022 को मुझे मिला गया है। इस आदेश को लेकर मैं जब बार बार आती हूँ, मैं अकेली आई हूँ पहले तो मैं, उसके बाद मेरे पति मेरे लिए गेट नहीं खोले हैं। और उस समय मैं अपनी एक सहेली पूनम डोगरा के साथ रह रही थी और मुझे पूनम ने ये समझाया कि आपसी समझौता करने के लिए हम लोग 10 जुलाई 2022 को इसी कोर्ट के आदेश को लेकर जब हम आते हैं तो मेरे पति जो है कि घर के अंदर पाए जाते हैं और उस समय वो किसी अन्य महिला नमिता शर्मा के साथ जो है अंडरगारमेंट्स में पाए जाते हैं। और उसने वहाँ पर मेरे पति और नमिता शर्मा दोनों लोग मुझे मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर फेंक देते हैं और मेरी जो सहेली है उसको बंधक बनाकर उसके साथ अश्लील हरकतें किया जाता है, जिसकी कुछ मैं फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगी कि जैसे कि ये मेरे पति है और ये नमिता शर्मा है जो घर के अंदर मौजूद थे 10 जुलाई 2022 को। ये मुझे जो है घर से घसीटते हुए की फोटोग्राफ से, और ये मेरे हस्बैंड हैं दिनेश कोचर है, और ये जो है कि मेरे को मारते हुए मेरे पति अंडर गारमेंट्स में यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और ये नमिता शर्मा है वो मेरी पूनम सहेली पूनम मुझे बचाने की कोशिश करती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद मेरे सहेली को जो है बंधक भी बना दिया जाता है और जिसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है और वह वीडियो भी मैं आपको दे सकती हूँ। कभी मैं भाई के घर में रहती हूँ तो कभी मैं अपनी सहेली के घर में रहती हूँ, ऐसे मुझे इधर उधर रहना पड़ रहा है। मैं अपना कर रही हूँ, इसी वजह से मेरे को घर रहने के लिए का आदेश मैंने कोर्ट में मांगा था जो कोर्ट ने मुझे जो है मेरे लिए मंजूर कर दी गई है। इस आदेश के 24/5 के बाद भी मेरे पति कोर्ट में अपील करते हैं कि इस आदेश को खंडित किया जाए, तब भी मुझे दूसरा आदेश 5/11/2022 को मिलता है और उस आदेश में भी मेरी 24/5/2022 के आदेश को स्वीकार किया जाता है और ये लिखा जाता है कि अगर यहाँ पे कक्ष ना उपलब्ध होने की स्थिति में वो मुझे रेंट पे रखेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड का घर यही है, फॉर्चून रेसिडेंसी में F108 है, फॉर्चून रेसिडेंसी में ये मेरे हस्बैंड का घर है।